हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के क्लर्क भर्ती के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब कुछ इस तरह के नोटिफिकेशन निकलने लगे हैं, जिनसे बैकडोर से तो ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि शायद रिजल्ट आए और फिर अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ नोटिफिकेशंस निकल जाते हैं जो फिर एक कदम पीछे खींच लिया जाता है। लेकिन जो कल मैंने आपके साथ सूचना शेयर की थी कि 2 तारीख को क्लरिकल रिजल्ट की कुछ सूचनाएँ हैं कि डिक्लेयर किया जा सकता है, तो अब जो ये नोटिफिकेशन आया है उससे कुछ ना कुछ इस तरह के जो हमें संदेश मिल रहा है या फिर यूँ कह लीजिए कि कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं रिगार्डिंग दैट, कि ये सब चीज़ें जो है आपकी अभी भी कुछ पेंडिंग पड़ी है और हो सकता है कि 2 तारीख को शाम तक कुछ ना कुछ हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ जाए। लेकिन जो नोटिफिकेशन है उसकी चर्चा कर लेते हैं पहले। और नोटिफिकेशन है, एक तो HSSC को इतना समय नहीं है, इतना पता नहीं क्या वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं कि अच्छी स्कैंड कॉपी वो अपलोड नहीं कर पाए। ये जिस प्रकार की नोटिफिकेशन की कॉपी है उसको पढ़ना भी, अगर किसी के थोड़ा बड़ा नंबर का चश्मा है तो वो भी नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन आखिरकार है क्या कि इन्होंने कहा है कि कुछ जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एबसेंट रह गए हैं उनको 2 तारीख को फिर से कमीशन ने बुलाया है। और ये जो रोल नंबर है, टोटल 19 रोल नंबर है, और इसमें कहा है कि एनी कैंडिडेट जिनके पास ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो भी आ सकता है और उनको 9 बजे पंचकूला पहुंचने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि कैंडिडेट जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं फिल की है वो 9 तारीख 1 और 2 तारीख को भर सकते हैं पंचकूला 31 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब ये 2 तारीख जो दी गई है, हो सकता है दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन कल मैंने आपसे साझा की थी कि 2 तारीख को रिजल्ट आ सकता है, उसी कड़ी में कोई पॉजिटिविटी लेकर आ रही हो, हो सकता है शाम को डिक्लेयर किया जाए, गॉड नोज, भगवान जानता है इस बारे में। परंतु अब चीज़ें जिस प्रकार से दिखाई पड़ रही है और जो जो इस तरह के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये एक सवाल तो खड़ा करता है HSSC की कार्यकलाप पर कि आखिरकार इतनी अनप्रोफेशनल चीज़ें कैसी हो रही हैं। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर 4-4, 5-5 नोटिफिकेशन आउट कर देते हैं, आप बार बार मौके दिए जा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ कसूर कैंडिडेट्स का भी हम कह सकते हैं कि अर्लियर वो इन पर ध्यान देते नहीं और फिर कोर्ट्स के ऑर्डर के द्वारा ये सब होने पर मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से पहले से ही लेट हो रहा रिजल्ट, HSSC की खुद की कारस्तानियों की वजह से लेट हो रहा रिजल्ट, उनको थोड़ा सा बहाना मिल जाता है रिजल्ट को लेट करने का। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको हमारा ये प्रयास और चैनल पर आ रही वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।